भाई डॉक्टर मैं हूँ, मैं बोलूंगा। Just shut up. You are a kid. Kid की तरह behave करो, behave yourself. मैं असली में kid नहीं हूँ, जो मैं kid की तरह behave करूँ, समझे? I'm a reputed doctor and मर्द हूँ मैं पूरा का पूरा। और अगर मैंने मर्द की तरह behave किया ना, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। किसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगना? मुझे भी बहुत अच्छा लगना है। Yes. Anyways, खजूर का बाप कहाँ है? वही जहाँ खजूर होता है। बेटा खजूर और बाप शकरकंदी की शक्ल वाला। इस मोहल्ले में एक भी ढंग का इंसान नहीं है। और मैडम, आपने जो सर पर उबला हुआ आलू रखा ना, मैंने मुक्का मार के इसका पराठा बना देना है। और मैंने वो पराठा खा लेना है। अरे, एक पराठा बनेगा वो भी आप खा लेंगी, तो मैं क्या खाऊंगी? बस मोटी 24 घंटे खाती रहे सांड। पता भी है 3-3 जजेस आने वाले हैं आज यहाँ। ओह चलो फिर ठीक है, फिर उनमें से एक मैं खा लूंगी। अरे सुपर डांस के जजेस बुलाए मैंने, पता ना तुम लोगों को? किड्स कॉम्पिटिशन है, इसलिए ऑल ऑफ यू बिहेव लाइक अ किड। ओके, मैं बनूंगा सुपर डांसर। लो मैं भी, मैं बनूंगी, मैं भी। आई लाइक इट। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे सोनी टीवी पे सुपर डांसर शो आ रहा है, बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है मुझे। बच्चे? हाँ। ये कहाँ से बच्चे लग रहे हैं आपको? कपड़ा से। अपने स्कूल के बच्चों को कराइए ना आप। स्कूल में बच्चे कहाँ हैं? दो बच्चों ने एडमिशन ली थी, पास होके चले गए। और वैसे भी कप्पू शर्मा, आप देखिए हर इंसान में एक बच्चा होता है, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, ऐसे जूड़ा संभाला नहीं जाता। सिद्ध भाई, आपको मेरा डांस पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है आपको? सूरज की तरह सनी, कपिल की तरह फनी। अरे कॉम्प्लीमेंट था कि बेइज्जती थी? अब ये तू समझ। अगर आपको सीरियसली मेरा डांस पसंद है, तो प्लीज आप किसी डांस शो के जज मत बनना। अच्छा, क्योंकि आप मेरे जैसे को सिलेक्ट कर लोगे, अच्छे टैलेंटेड लोगों को बाहर कर दोगे। लेकिन सोनी पे जो डांस शो आ रहा है सुपर डांसर, उसके जजेस जो है वो सारे इंडिया से कमाल के बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं, और आज वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ से किसी का सिलेक्शन होता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा वैसे। So please welcome the super judges of Super Dancer, Shilpa Shetty Kundra, Geeta Kapoor and Mr. Anurag Basu. How are you? Fine, thank you. You are not? Kapil. Welcome. कैसे हो कपिल? This one's for you. You are not taking care of yourself. You don't think so, Kapil? कितनी दुबली हो गई शिल्पा? अरे कैसी आप? जा रहे थे। अरे यार कैसे आप? अरे बुझ रहे थे जो चिराग, आज फिर से जलने लगे। वाह अच्छा, ये भी हमारे लिए बरसते बरसते बादलों की तरह आसमां भी सेंटी हो गया है। अब आगे सुनो गुरु, पटाखा ठोकने पड़ेगा तुम्हें। देखो आपके आने से पहले जिंदगी टेस्ट मैच जैसी थी, बोरिंग, और आपको देखते ही जीवन लुभावना T20 हो गया। मुझे बोलो, मुझे पाजी T20 के बारे में याद मत दिलाना प्लीज। क्यों?
आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. फाइनली थैंक यू. इधर तो घर की बात है. अरे कैसे हो कपिल? वो छुई मुई के पौधे की तरह सुकड़ जाता है. नहीं, मैं वैसे कर देता हूँ फ्लर्ट. मेरे को सामने से कोई करे तो फिर मैं भाग जाता हूँ पार्टी से. आप पहली बार हमारे शो में आई हैं. अनुराग सर, आप भी पहली. हाउ स्वीट, सो स्वीट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. परफ्यूम कौन सा लगाया आपने? वही जो आपने कल भेजा था. आपको बच्चे इसीलिए तो नहीं गीता माँ कहते? आप सबकी माँ है हर काम में. उन्होंने मुझे एक मकसद से भेजा है. किस मकसद से? बोले जा रहे हो तो पापा भी ले आए हो. I've never seen Anurag so quiet. बाप आ गया ना, चुप रहना पड़ेगा. नहीं सर, हम बैठ के बातें करते हैं. प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है. अच्छा, हमारी बहुत मुलाकातें हो जाती हैं, मेरी और शिल्पा की. इतनी बार मिलती हो, चाहती क्या हो आप? आप लोगों का शो आ रहा है ना, सुपर डांसर. अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ. गीता जी, आप अनुराग सर, आप इतने सीनियर हैं. अब देखिए, कोई सेलिब्रिटी अपने शो को दो बार प्रमोट करने आज तक नहीं आया. तो ये आपका अपने शो के प्रति प्यार है या मेरे प्रति? मतलब सोनी के प्रति प्यार. तो कैसा लग रहा है आप तीनों को एक साथ? आपने तो मेरे ख्याल से अनुराग सर के साथ एक फिल्म भी की है, लाइफ इन ए मेट्रो, पहले. जी जी. फिर उसके बाद आपने कभी साथ में काम नहीं किया ना? नहीं, उसको बहुत रुलाया, बोला कि और नहीं करूंगी साथ में काम. सिर्फ रोई है उस फिल्म में. ऐसे क्यों? बिना ग्लिसरीन के. हाँ, रोने से मुझे याद आया, गीता मैंने आपको 150 बार कम से कम. नहीं नहीं, मैं बताता हूँ. मैंने 150 बार इनको टीवी में देखा है और उसमें से 144 बार ना ये रोती हुई दिख रही है. किसी बच्चे ने बहुत अच्छा डांस कर दिया, ये रोने लगती है. किसी ने गंदा डांस कर दिया, रोने लगती है. कोई एलिमिनेट हो गया तो रोने लगती है. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, आप कंटेस्टेंट पे सट्टा लगाती हैं. अब वो बीड़ा इन्होंने उठा लिया है. अब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो ये रोती हैं. वो अब इन्होंने टेक ओवर कर दिया. अब ये टेक ओवर कर दिया इन्होंने. ये रोंदू जज है, रोंदू जज है हमारी. इनका इन्होंने नाम भी रख दिया है मेरा, रोंदू जज. हाँ. दूसरा कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता तो आप रोने लगती हैं? जी. आपका अपना बेटा नहीं अच्छा डांस करता? ऑनेस्टली कपिल, मेरा बच्चा 4 साल का है, वो कुछ भी नहीं जानता इन बच्चों के मुकाबले. नहीं, पर आप हताश मत हो. हो सकता है कि वो 18-19 साल में जाके बॉलीवुड का इमरान हाशमी बन जाए. मेरा बेटा इमरान हाशमी बनेगा? आपको क्या लगा? राज को बहुत डाउट हो गए. इस पार्ट को एडिट कर दिया जाए. सर, एक, एक, एक बात बताइए, आपने फिजिक्स में बीएससी की है? हाँ, गलती से कर लिया था मैंने. Really? क्या मतलब? अभी क्या है, प्लान भी रेडी रखना पड़ता है ना. कुछ नहीं हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ और कर लूंगा. पर जब मैंने आपकी मर्डर देखी ना, मुझे लगा आपने फिजिक्स में पीएचडी की होगी. फिल्म आई थी ना मर्डर. हाँ. तो वो फिल्म अनुराग सर ने ही डायरेक्ट की थी. पर फिल्म मर्डर है और तुझे भीगे होंठ ही दिख रहे हैं. चक्कर क्या है मेरे को? हद हो गई यार. मतलब मर्डर वाली फिल्म में इसको और नहीं कुछ सूझा, भीगे होंठ तेरे लपक रहे हैं. आपने भी तो कहा था मल्लिका शरावत को, आपकी फिल्म देखी मैंने मर्डर. तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा उसमें इमरान हाशमी भी थे. कहते वो नहीं मैंने देखा. ये बात तेरी ठीक है. उनका शेर मैंने क्या सुनाया था याद है तुझे? यहां कोई आवत है कोई जावत है, जो खुल के सामने आए वही मल्लिका शेरावत. लेकिन पाजी, आई हैव टू से कि जब भी मैं आती हूं तो सबसे अच्छे शेर मेरे लिए ही मारते हैं आप. नहीं, पर एक बात मैं आपको बताऊं, जो शेर आप उन्होंने पिछली बार बोला था ना आपके लिए. हाँ. वो 3 बार पहले दीपिका पादुकोण के लिए बोल चुके. निशाना चूक गया. राक्षस, मेरे को एक बात बताइए, आप इतनी दो खूबसूरत महिलाओं के साथ एक बड़ा ही खूबसूरत शो जज कर रहे हैं, सामने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, आप लगातार देखेंगे कि इधर उधर भी देखना पसंद करेंगे? मतलब नजर जाती है ऐसे?
मुझे लिया किस लिए बताऊं आपको मैं? किस लिए? वो बैलेंस करने के लिए जज के पैनल को ना। अच्छा। गीता जी को पहले ले लिया था उन्होंने। अच्छा। तो बैलेंस करने के लिए ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने काटा देखकर मुझे लिया है शो में। और आपको पता पाजी, गीता बहुत ही कमाल की कोरियोग्राफर है। इन्होंने ढेरों सारे टीवी शो जज किए हैं। हाँ, जो नहीं भी आते टीवी पे वो भी जज कराती जाती है। एक्चुअली ये कभी अमेरिका जाएं तो वहां पे लोग सड़कों पे करते रहते हैं ना, कि उनको नंबर दे आती हैं, वेरी गुड 8 नंबर। तो ये इनको इनकी इतनी आदत पड़ गई जज करने की। अच्छा गीता, एक सही सही बात बताना, ये शो भी आप जज कर रही हैं, आपका मेरे ख्याल से 2021वां शो होगा ये, एक दो कम ऊपर नीचे हो सकता है। सीरियसली बताना, मेहनत करके स्टार्स को सिखाना अच्छा लगता है या बैठ के पैसे कमाना? और आपके ऑप्शंस हैं ऐसे बैठ के कमाना, ऐसे बैठ के कमाना, ऐसे या कैसे? ज्यादा मजा किसमें आता है? ऑनेस्टली पूछ रहे हो? जी, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैं बताऊं? बताइए ना प्लीज। ऐसे। आपकी तो बेस्ट जॉब है दुनिया में। वैसे सीरियसली गीता, आपको ज्यादा मतलब जब आप फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी करती हैं तब मजा आता है कि? नो, ऑनेस्टली जब काम करना था बहुत कर लिया। अच्छा। अब बैठ के कमाने में भी मजा है, सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, दैट्स व्हाट इट इज। हाउ स्वीट। सो ये शो करने का मकसद भी और कोई है, ये शो करने का मकसद ये है कि इतनी मेहनत करी है, इतने लोगों के साथ काम करा है, इतने बच्चों को देख लिया है, अब आपके शो पे आने का, वो जो मेहनत करी है वो सफल हुआ है, इसलिए ये शो किया है। हैड टू कम। आप क्यों ब्लश कर रहे हो? आई एम सो पॉपुलर ना। एट दिस पॉइंट ही वांट्स मी टू से कि अभी अभी जाके आए हैं लंदन, वेम्बली अरीना में जाके उन्होंने हाउसफुल शो परफॉर्म किया है। शिल्पा के फादर इन लॉ भी वहां पे थे, सीनियर कुंद्रा साहब। अच्छा, वैसे तो कभी फोन नहीं आता। वो आज लंदन से फोन कॉल आया, लाइटनिंग प्लीज चार टिकट दिलवा दो। अरे ये तो प्यार है उनका, नहीं तो वो तो आधा लंदन खरीदा हुआ उन्होंने एक्चुअली। अरे गीता, आपकी शादी नहीं हुई, आपको सब बच्चे माँ माँ कहते हैं, गीता माँ, गीता माँ। जी। कभी कोई ऐसा शरारती बच्चा नहीं हुआ जिसने किसी लड़के को देख के पापा पापा बोल दिया हो, तो बाद में आपकी तरफ देख के मामा मामा, फिर उधर पापा पापा? बस आप कर लो, आपको भी बोल देगा। अच्छा, आप मजाक मजाक में बोल रहे हो, मैंने सीरियस हो जाना। वैसे आपको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं पड़ता। What do you mean? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। Nothing at all. यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितनी लेडीज आई हैं, खूबसूरत लेडीज आई हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आई हूँ, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी मैं आपको इस सच्ची ऑनेस्टी ईमानदारी के बाद में 101 रुपया मेरी तरफ से इनाम। आप उसमें 100 और ऐड करके मेरे को वापस कर दे रहे हैं। मैं सीरियसली आपकी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने जितना आपके शो के प्रोमो देखे, बड़े क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस भी है, नो डाउट, लेकिन आपको किसी ना किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा और सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, तो आप क्या किस बेसिस पे करते हैं सिलेक्ट? इसके आंसू के क्वांटिटी पे हम लोग उसके बेसिस पे करते हैं। ये कम रोई तो ठीक है, ज्यादा रोई तो वही बस मापदंड उसके आंसू हैं शिल्पा के। तो गीता और अनुराग बोल जाते हैं जो भी बोलना है कंटेस्टेंट को, फिर मेरा टाइम आता है और मैं सोचती हूँ हम जहन्नुम जाने वाले हैं इन बच्चों का दिल तोड़ के, एंड देन सडनली आई स्टार्ट बेगिंग, मैं भीख मांगना शुरू करती हूँ दोनों जजेस से, प्लीज इन्हें पार करा दो। आप ऐसे नहीं बोलते, आप कैसे बोलते हो ये बताइए। कम ऑन, रेडी, 1 2 3 इफेक्ट में। तो एक एपिसोड के बाद अनुराग बोल देता था और मुंह फेर लेता था मेरे से, और गीता बोल देती थी और उस तरफ देखती थी, मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं था। मैं तो इस डर से हाँ कर देता हूँ कि ये ना बोले अंकल आप करके दिखाओ। अच्छा
अच्छा गीता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है जी, इन सब में से बेस्ट डांसर कौन है? ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ या कपिल शर्मा? रणवीर सिंह। अच्छा खराब डांसर कौन है? कपिल शर्मा। ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं बोलना था। ज्यादा कौन ऐसा इस बात पे? आपकी मम्मी। नहीं वैसे इनके और इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है। क्या? बोथ आर सुमड़ी डांसर्स। आपको कवर करने की जरूरत नहीं, मैं मान लिया। मैं जानती हूँ सारी औरतें आपको नचाती हैं, आप नाच लेते हो ऐसा सुना है। सारे बच्चे इनको नचाते हैं, ये डांस कर लेते हैं, तो डांसर तो आप दोनों ही। हमारे दोनों के अंदर एक डांसर छुपा है अंदर। यस यू नो गीता जी, ये जो दोनों जो सुमड़ी बैठे हुए हैं जी, लेट देम प्रूव टू अस एंड द ऑडियंस के कितना सुमड़ी में नाचते हैं। दैट दे कांट डांस एट ऑल, आप यही चाहते हो? एग्री। आओ भाई चलिए 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 चलिए। प्रार्थना डाइट पे रखा आजकल। व्हाट इज प्रार्थना डाइट? जितना खाना है खाओ और भगवान से प्रार्थना करो कुछ चमत्कार कर दो।